नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जेके स्टूडेंट बाइंड शिवाजी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे एक और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के बारे में। आप लोगों को पता है रेलवे का कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन वायरल हुआ था, वो नोटिफिकेशन बिल्कुल फेक था। बट आपको बता दें कि रियल नोटिफिकेशन अब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन अपडेट हो गया है। अब इस फॉर्म के बारे में बताएंगे कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्या सिस्टम है और कब तक आप लोगों की जो रिक्रूटमेंट्स रहेगी, पूरी जानकारी इस शॉर्ट वीडियो में बताएंगे, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दिया है। मतलब कि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है अभी, इसके बाद अभी डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है। अब देखना यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिस्टम है, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी जेके स्टूडेंट बाय देसी भाई 06 के नाम से फॉलो नहीं किया जल्दी से फॉलो करें। और आपको बता दें कि जहाँ पर इंडियन रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जो कि 2 मार्च को जारी किया गया है। कांस्टेबल की 4408 पोस्ट है पूरे भारत के लिए, इसमें जम्मू कश्मीर वालों के लिए भी पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर की 452 पोस्ट है पूरे भारत के लिए। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए सिंपल 10वीं पास कोई भी बच्चा, लड़का या लड़की इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन पास आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कांस्टेबल और ग्रेजुएशन दोनों फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि फॉर्म फिल करने की फ़ीस 500 रुपये रहने वाली है, जनरल OBC वगैरह EWS की। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये फ़ीस आप लोगों की रहने वाली है 500 रुपये जनरल की, OBC EWS वगैरह की 500 रुपये फ़ीस ही लगेगी। बट आपको बता दें कि जो आप लोग ये फ़ीस देंगे, ये आपकी फ़ीस वापस आपके ही बैंक में आ जाएगी जब आप लोग रिटर्न एग्ज़ाम देंगे। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद जिन्होंने 500 फीस दी है, 450 आपकी वापस आ जाएगी। ये रेलवे का रूल है, ठीक है। SC ST और लड़कियों की 250 रुपये फ़ीस है और आप लोगों को ये फॉर्म ऑनलाइन तरीके से फिल होगा। बाकी आपको बता दें कि फ़ीस वगैरह आपको वापस मिल जाएगी जब आप रिटर्न देंगे, ये होता है। ऑनलाइन फॉर्म इसके कब शुरू होंगे, 15 अप्रैल से। अभी कितना टाइम है, 1 महीने के बाद शुरू होंगे, 1.5 महीने के बाद शुरू होंगे। अभी मार्च चल रहा है ना, आपके जो फॉर्म 15 अप्रैल से शुरू होंगे, लड़का या लड़की कोई भी अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म 15 अप्रैल से शुरू है और इसकी 14 मई को लास्ट डेट है। उसके बाद इसका CVT कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा। इसका सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम ही कंडक्ट होने वाला है, उसके बाद फिजिकल दौड़ वगैरह रहेगी। जिसने फॉर्म फिल करवाना होगा 15 अप्रैल के बाद, आप इस नंबर पर कंटेक्ट करें, आप लोगों को फॉर्म फिल करके हम दे देंगे। बाकी शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, डिटेल नोटिफिकेशन फुल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें आपको हाइट के बारे में बताया जाएगा। हाइट इसमें ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल 165 सेंटीमीटर के आसपास होगी लड़कों की, और लड़कियों की भी कम ही हाइट रहती है। उम्र की बात करें, उम्र भी अभी शो नहीं की है कि एज कितनी हो सकती है। 18 साल से लेकर 25 साल तो जनरल की होती है, SC ST OBC बाकी को छूट वगैरह 3-2 की 3-5 की जो है वो भी मिलेगी, ठीक है। इसका बिल्कुल फुल और क्लियर नोटिफिकेशन, इसका सिलेबस, इसका एग्ज़ाम पैटर्न्स और इसकी रनिंग सिस्टम जो भी होगा, हम आप लोगों को टाइमली व्हाट्सअप ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। लड़कियों का अलग ग्रुप है, लड़कों का अलग ग्रुप है। मैक्सिमम व्हाट्सअप ग्रुप बॉयज़ में तो 600+ हो ही गए हैं, तो लड़कियों के भी ग्रुप में 400+ हैं। डिफरेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा और 1 टाइम एंट्री 30 रुपीज़ पेमेंट इसी नंबर पर भी आपको करना पड़ सकता है। गूगल पे, फ़ोनपे, एम पे, ऑल प्लेटफॉर्म चल रहा है। बाकी आप लोगों को बता दें कि ऑल अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे टच में रहें, वीडियोस में आप लोगों को डिटेल जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। और सबसे बड़ा डाउट्स बच्चों के माइंड में है कि इसका कट ऑफ का क्या लेवल रहता है, कट ऑफ इसका जो स्टेट वाइज आएगा जो सेंटर वाइज आएगा, वो तो आप लोगों को बता दें, टाइम ही बताएगा जो अपडेट ही बताएगी। बट 4000 वैकेंसी ठीक ही वैकेंसी है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस की वैकेंसी आई है, उसके साथ साथ जे पुलिस की वैकेंसी हो गई, तो और भी मेजर रिक्रूटमेंट्स आती रहती हैं। SSC GD के अभी जो भर्ती चल रही है, जिनका रिटर्न एग्ज़ाम अप्रैल को समाप्त होना, उसके आंसर की वगैरह भी आने वाली है, और भी काफ़ी बड़े अपडेट्स रहते हैं। नई SSC GD के फॉर्म अगस्त में शुरू हो जाएंगे। इंडियन आर्मी अग्निवीर का रिटर्न एग्ज़ाम अप्रैल में है, और भी एडमिशन वगैरह भी कॉलेज वगैरह में ओपन होती रहती है, जैसे ITI हो गया, ANM GNM जो कॉलेज में MA PG BEd जो भी ऑलराउंड इन्फॉर्मेशन हम 1 टाइम एंट्री 30 रुपये के आधार पर तमाम बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई आसान काम नहीं, फिलहाल एक बड़ा जहां पर मेंटल एबिलिटी और एनर्जी का यूजेज होता है, फिलहाल MB का भी काफ़ी ज़्यादा हमारा चार्जेस लगता है, उसी कारण से हमने एंट्री रखा हुआ है। बाकी तमाम स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा है तो वो आप लोगों की मर्जी है, हमारा काम अपडेट करना है, वैलिड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है और हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी के टच में रह रहे तमाम स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब को पा भी रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।